तो दोस्तों आज अदानी विल्मार के आईपीओ में अप्लाई करने के लिए तीसरा और आखिरी दिन था। तो तीसरे और आखिरी दिन इस आईपीओ के अंदर बहुत ही बंपर और जबरदस्त पैसा बरसाया गया है। अगर दो दिन का कंपेयर करें तो दो दिन के अंदर इसको बहुत कम सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला था। दूसरे दिन लगभग इसका जो सब्सक्रिप्शन था लगभग दो गुना के आसपास। और सुबह मैंने 12:20 बजे भी वीडियो बनाया था, तब भी इसका आपको सब्सक्रिप्शन बताया था, तब थोड़ा सा दो गुना से थोड़ा सा ज्यादा इसका सब्सक्रिप्शन हो रखा था। और उसके बाद शाम 5 बजे तक इसके अंदर लगभग हमें 17 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। मतलब आज तीसरे दिन बहुत ही बंपर और जबरदस्त पैसा बरसाया गया है इस आईपीओ के अंदर। और दोस्तों मैंने 12 बजे के आसपास भी आपको कहा था और पहले दिन भी आपको कहा था कि ये कंपनी बहुत जबरदस्त नजर आ रही है और इस आईपीओ के अंदर मैं अप्लाई करने वाला हूं। और मैंने कहा भी था कि मैं शेयर होल्डर कोटा से अप्लाई करूंगा और रिटेल कोटा के अंदर से भी अप्लाई करूंगा। और मैंने घर के सभी फैमिली मेंबर से इस आईपीओ में अप्लाई किया और मैंने आपको कहा भी था और अपडेट भी दिया था। और दोस्तों काफी जो रिटेलर्स हैं वो डरे हुए थे कि इस आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें, क्योंकि एक तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम चल रहा था, मार्केट अभी थोड़ा वॉलेटाइल है, और उसके अलावा प्रमोटर्स भी, मतलब किसी किसी लोग को प्रमोटर्स पे भी भरोसा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जो कंपनी है, मतलब अदानी विल्मार जो कंपनी है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, और उसके अलावा जो इसका आईपीओ आया है वो हमें एक सही वैल्यूएशन पर मिल रहा है। मतलब जो इसके फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं उस हिसाब से देखा जाए तो एक सही वैल्यूएशन पर हमें इसका शेयर मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि ऐसी अगर फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियां होती है, उसके अलावा सही वैल्यूएशन पर हमें कोई भी शेयर मिल रहा होता है, तो मुझे लगता है उसमें अंदर ज्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए, भले ही उसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम कम हो। ग्रे मार्केट का प्रीमियम क्या है कि टेम्परेरी होता है, मतलब लिस्टिंग गेन्स क्या है, टेम्परेरी होता है, पर उसके बाद जो असली कहानी शुरू होती है लिस्टिंग के बाद, मतलब लिस्टिंग से 2-3 दिन बाद इसकी असली कहानी शुरू होती है। मतलब कोई भी अगर फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है तो वो लॉन्ग टर्म में हमें जरूर फायदा देगी, और अगर फाइनेंशियली फंडामेंटली वीक कंपनी है और उसका लिस्टिंग गेन्स हमें अच्छा देखने को मिल जाता है पर उसके बाद हमें लॉन्ग टर्म के अंदर वो नुकसान देगी। जैसे अभी जोमेटो के आईपीओ में देखा वो ओवरवैल्यूड था, नायका के आईपीओ में देखा, पॉलिसी बाजार के आईपीओ में देखा, पेटीएम के आईपीओ में देखा, तो अच्छी कंपनियों के अंदर हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता, पर ऐसी जो कंपनियां होती है जो फाइनेंशियली और फंडामेंटली वीक कंपनियां होती है उनमें लिस्टिंग गेंस होने के बावजूद भी हमें लॉस देखने को मिलता है। तो अदानी विल्मार का जो आईपीओ है हमें फाइनेंशियली फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और उसके अलावा ये हमें सही वैल्यूएशन पर शेयर मिल रहा था, तो उसके अंदर हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो एडिबल ऑयल के अंदर मार्केट लीडर है, उसके अलावा एफएमसीजी कंपनी के अंदर उभरती हुई कंपनी, मतलब जो एडिबल ऑयल के अलावा भी जो उसके अलग सेक्टर हैं, मतलब जो किचन कमोडिटीज़ वगैरह के अंदर ये उभरती हुई कंपनी है, तो ये अपने अंदर एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और मार्केट लीडर भी है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसको टोटल कितने गुना सब्सक्रिप्शन मिला है तीसरे दिन, और इसके अलावा भी इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमैट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और कोई भी अपडेट वगैरह होता है तो उसके अंदर आपको टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। तो दोस्तों इसके तीसरे दिन जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 17.37 गुना, मतलब ये टोटल 17.37 गुना सब्सक्राइब हुआ है तीसरे दिन, और 12:20 की बात करें तो ये लगभग दो गुना के आसपास सब्सक्राइब हो रखा था। मैंने आपको अपडेट भी दिया था, वो मेरा वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिर दोस्तों इसका जो QIB पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 5.73 गुना, QIBs मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 5.73 गुना सब्सक्राइब किया है, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। फिर दोस्तों उसका जो NII पोर्शन जिसके अंदर HNIs वगैरह होते हैं, मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने 56.30 गुना सब्सक्राइब किया है इस आईपीओ को। तो दोस्तों मैंने आपको कहा भी था कि जो QIBs और NIIs है वो तीसरे दिन बहुत ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं, और मैंने कहा भी था कि 12 बजे की मैंने आपको कहा था कि शाम 5 बजे तक इसके अंदर हमें और ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है, पर ये उम्मीद से ज्यादा सब्सक्रिप्शन है, बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन है। जैसे मार्केट वॉलेटाइल चल रहा था, इतनी उम्मीद नहीं जताई जा रही थी कि QIBs NIIs इतना जबरदस्त सब्सक्राइब करेंगे, पर उम्मीद से बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला हमें, ये बहुत ही अच्छी बात है इस आईपीओ के लिए, क्योंकि ये फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। फिर दोस्तों इसका जो रिटेल पोर्शन 3.92 गुना सब्सक्राइब हुआ है, रिटेल पोर्शन काफी कम सब्सक्राइब हुआ है, क्योंकि रिटेलर्स थोड़े क्या है डरे हुए थे ग्रे मार्केट के प्रीमियम के कारण, मार्केट अभी वॉलेटाइल है इसके कारण। फिर दोस्तों इसका जो एम्प्लॉय पोर्शन सब्सक्राइब हुआ है 0.51 गुना, इसका जो एम्प्लॉय पोर्शन है वो अकेला ही अंडर सब्सक्राइब है, बाकी सारे पोर्शन ओवर सब्सक्राइब हो चुके हैं। फिर दोस्तों शेयर होल्डर कोटा बहुत ही जबरदस्त सब्सक्राइब हुआ है, शेयर होल्डर कोटे के अंदर लगभग 33.33 गुना का सब्सक्रिप्शन हमें देखने को मिला है, जिसके अंदर रिटेलर्स भी थे, मतलब 2 लाख से कम की एप्लीकेशन वाले भी थे और उसके अलावा 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन वाले भी थे, तो इस कारण इसको जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है शेयर होल्डर के अंदर 33.33 गुना बहुत ही ज्यादा सब्सक्रिप्शन है। तो दोस्तों जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कैसे अलॉटमेंट मिलेगा, तो 33.33 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लगभग जिसने 34 लॉट के आसपास अप्लाई किया है तो उसको 1 लॉट पक्का मिलेगा, तो इस हिसाब से अलॉटमेंट हमें देखने को मिलेगा शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर। और शेयर होल्डर जो कैटेगरी थी अगर 12 बजे के आसपास की बात करें तो 1 गुना से थोड़ी सी ज्यादा ही सब्सक्राइब हो रखी थी शेयर होल्डर कैटेगरी, और शाम 5 बजे तक हमने देखा 33.33 गुना ये सब्सक्राइब हो रखा है, तो इसके अंदर जो ज्यादा पैसे लगाए हैं जो HNIs हैं,
एचएनआई शेयर होल्डर हैं उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे लगाए हैं, मतलब जो 2 लाख से ऊपर के पैसे लगाए हैं, तो एचएनआई वालों ने इसको बहुत जबरदस्त सब्सक्राइब किया है। इस कारण में इसके अंदर 33.33 गुना का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। बाकी हम जैसे जो रिटेलर्स हैं उन्होंने 10 लॉट 12 लॉट या 15 लॉट ज्यादा से ज्यादा 20 लॉट लगाए होंगे, पर जो ये 33.33 गुना सब्सक्राइब हुआ है जो बड़े एचएनआई है उन्होंने इसके अंदर सब्सक्राइब किया है। तो शेयर होल्डर कोटा के अंदर जिन्होंने लगभग 34 लॉट के आसपास लगाए हैं उसको 1 लॉट मिलेगा। मुझे लगता है इससे कम जिसने लॉट अप्लाई किया तो उसको अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल है। और दोस्तों ये ओवरऑल सब्सक्राइब हुआ है 17.37 गुना, बहुत ही बढ़िया सब्सक्रिप्शन है। जिस हिसाब से ये कंपनी है, जिस हिसाब से मजबूत कंपनी है, उस हिसाब से अच्छा सब्सक्रिप्शन है और ऐसी अच्छी कंपनियों को इसको सब्सक्रिप्शन मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों में से किन किन लोगों ने इस आईपीओ में अप्लाई किया और आपने रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया है या शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर, और शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया है तो आपने कितने कितने लॉट अप्लाई किए हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि इससे पता चल पाए कि शेयर होल्डर कैटेगरी के अंदर कितने कितने लॉट अप्लाई हो चुके हैं। फिर दोस्तों जिसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है लगभग 30 रुपए से लेकर 35 रुपए के बीच में, और मुझे उम्मीद है कि बजट आ जाने के बाद इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हमें सुधार देखने को मिल सकता है और इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा और बढ़ सकता है। तो अभी एक शेयर पर हमें 30 से 35 रुपए फायदा बता रहा है, लगभग देखे तो 15% के आसपास इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है जो कि देखा जाए तो ठीक ही है। पर दोस्तों बजट आने के बाद उसके बाद मार्केट जब सुधरेगा तो मुझे लगता है इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम में हमें और इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये जानकारी हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। हमारी जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे और इस पर कोई भी नेक्स्ट अपडेट आता है मतलब इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हमारे चैनल से आप जुड़े रहें, बेल आइकन पर दबा लें। अगर आपको फिर भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और इंस्टाग्राम की रील्स अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।